इनकी सोच और विजन का मैं बताता हूँ। हम यहाँ पे हिमालयन स्की विलेज लाए थे पांचवें, ये जो मुख्यमंत्री जी की बात की आपने, ये भी 100 MLA थे, तो इन्होंने कहा था देवी देवता नहीं मानते, हमें पहले जानकारी चाहिए कि अब देवी देवता मान गए कि मनाने जाएंगे। विजन तो इनकी तब पता लगेगा जब कुछ धरातल पे आएगा, पहले देवी देवताओं को मना ले और लैंड बैंक बताएं कहां कहां है इनके पास कितना, और 118 एक्ट में क्या संशोधन किया है। 118 के लिए कह रहे हैं कि हमने कहा कि ऑनलाइन देंगे, तो 2 साल उसकी अवधि है, 2 साल में कोई भी बड़ा 500,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नहीं लगता है। किसी प्रोजेक्ट को आप 2 साल में हिमाचल में पूरा नहीं कर सकते, या 2 महीने बर्फ पड़ती हो। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इलेक्शन में मुझे धर्मशाला वाले तोहफा दें, ये MLA जिताए मेरा तो मैं इनको तोहफा दूंगा, हमें तो तोहफा दाम खिला के तोहफा हो गया कांगड़ा वालों के लिए, यही है ना। अभी तक कांगड़ा को क्या मिला ये बता दे मुझे, धर्मशाला को क्या मिला, हम अपनी उपलब्धियां गिना सकते हैं, अब अपना बताएं कि हमें क्या मिला। हर प्रोजेक्ट को एक पर्टिकुलर जगह पे ले जा रहे हैं, हर प्रोजेक्ट को एक पर्टिकुलर जगह पे ले जा रहे हैं, तो इनकी सोच में और हमारी सोच में डेफिनेटली फर्क है। हमने ऑलराउंड डेवलपमेंट करते थे, ये लोग एरिया फोकस करके कर रहे हैं और उसमें भी करने में असमर्थ हुए हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि इनके टाइम पे 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट आई हो। हमने इलेक्शन से पहले भी कहा था, आज भी उस चीज को दोहरा रहे हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट धर्मशाला में कांगड़ा में की है इन्होंने, तो उसका ब्यौरा दें,